नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं जीवन 24 और मैं हूं आपके साथ समृद्धि कौशिक। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 खबरें। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मनीष सिसोदिया, सीबीआई जांच और गिरफ्तारी को दी चुनौती। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सिसोदिया को दिल्ली सरकार की शराब नीति में कथित घोटाले के मामले में सीबीआई ने रविवार को गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने उन्हें सोमवार को राउंड्स एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने सिसोदिया को 5 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। सिसोदिया की गिरफ्तारी पर आप आग बबूला। भोपाल में प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली के बाद आप कार्यकर्ताओं ने अब भोपाल में भाजपा कार्यालय के पास प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे सभी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है। बरेली जेल में रची गई उमेश पाल हत्याकांड की साजिश। अतीक के भाई से मिलने वाले एसटीएफ के रडार पर। प्रयागराज में शुक्रवार को उमेश पाल और उसके गनर के बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। उमेश पाल राजू पाल हत्याकांड में गवाह थे। उमेश की गाड़ी से उतरते ही बदमाशों ने उन पर फायरिंग कर दी। इस दौरान उनकी और उनके गनर की गोली लगने से मौत हो गई। उमेश पाल हत्याकांड में सदाकत ने कई बड़े खुलासे किए हैं। उमेश पाल हत्याकांड में अखिलेश यादव के साथ मास्टरमाइंड सदाकत की तस्वीर वायरल। उमेश पाल हत्याकांड के मुख्य साजिशकर्ता सदाकत खान की फोटो सामने आई है। LLB स्टूडेंट सदाकत समाजवादी पार्टी का करीबी निकला है। इसके साथ ही वह अतीक अहमद के परिवार का भी करीबी है। सोशल मीडिया पर सदाकत की तस्वीरें सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ सामने आई है। दिल्ली में बेखौफ बदमाशों ने की सरेआम फायरिंग। कैमरे में कैद हुई पूरी घटना। दिल्ली के भारी इलाके रनहौला में बदमाशों ने एक केबल ऑपरेटर के दफ्तर में घुसकर अंधाधुंध गोलियां चलाई। बाइक से आए 3 बदमाशों ने 15 राउंड फायरिंग करी। 2 गोलियां केबल ऑपरेटर को लगी, ऑफिस में लगी शीशे पे भी काफ़ी गोलियां चलाई गईं। अभी गोली मारने और गोली चलाने की वजह साफ नहीं हुई है। यूपी में MLA को मिलेगा श्रेष्ठ विधायक का खिताब। CM योगी और अखिलेश भी होंगे कमेटी में शामिल। विधानसभा में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने और अपने क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले विधायकों को पुरस्कृत किया जाएगा। इसके लिए उन्हें श्रेष्ठ विधायक का खिताब दिया जाएगा। इसके लिए एक समिति गठित की जाएगी। इसमें नेता सदन के रूप में जहां सत्ता पक्ष को शामिल किया जाएगा तो नेता प्रतिपक्ष भी इसमें शामिल होंगे। औरंगाबाद उस्मानाबाद का नाम बदलने के मामले में 27 मार्च को सुनवाई करेगा बॉम्बे हाईकोर्ट। महाराष्ट्र के औरंगाबाद और उस्मानाबाद के नाम बदले जाने के मामले में मुंबई हाईकोर्ट अब 27 मार्च को सुनवाई करेगा। सोमवार को केंद्र सरकार ने मुंबई हाईकोर्ट को सूचित किया था कि औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर करने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस SV गंगापुरावाला और जस्टिस संदीप मारने की ज्वाइंट बेंच ने इस मामले में सुनवाई की है। टर्की में नहीं थम रही है तबाही। 3 हफ्ते बाद फिर भूकंप से कांपी धरती, ढह गई 30 इमारतें। तुर्की में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इनकी तीव्रता 5.6 रिकॉर्ड की गई है। नए झटकों के बाद लोगों में दहशत ज्यादा देखने को मिल रही है। लोग तुरंत ही दौड़कर सड़कों पर आ गए। 30 इमारतें ढह गई, एक शख्स की मौत हो गई तो वहीं 70 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। अलबद्र के पूर्व कमांडर खालिद रजा की पाकिस्तान में गोली मारकर हत्या। 1 हफ्ते में दूसरे बड़े आतंकी की मौत। सैयद खालिद रजा अपने घर के पास में खड़ी कार के पास जा रहा था, तभी वहां हमलावर पहले से मौजूद था। उसने खालिद पर सिर्फ एक फायर किया और बाइक से फरार हो गया। कराची SSP का कहना है कि यह टारगेट किलिंग का मामला लग रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान का बड़ा एक्शन। IS खुरासन के मिलिट्री चीफ को किया जेल। तालिबान सरकार का यह एक्शन ऐसे वक्त पर हुआ है जब हाल ही में UN की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड खुरासन ने अफगानिस्तान में भारत, चीन और ईरान के दूतावास पर आतंकी हमले की धमकी दी है।